इसके अलावा अगला बड़ा एग्रीमेंट किया गया है रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर और इस एग्रीमेंट से भी बांग्लादेश से ज्यादा भारत का फायदा होने वाला है क्योंकि दोनों देशों की सीमा सटी हुई है लेकिन फिर भी रेलवे कनेक्टिविटी इतनी भी ज्यादा मजबूत नहीं है इस समय बांग्लादेश के ढाका शहर और भारत के कोलकाता के बीच ऐसी तीन डायरेक्ट ट्रेन चलाई जाती है जिसमें पैसेंजर ट्रेन के साथ मालगाड़ियां भी शामिल है लेकिन इनके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेलवे कनेक्टिविटी है वह काफी कमजोर है इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसमें देरी का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच एक मजबूत व्यापारिक साझेदारी है भारत और बांग्लादेश रेलवे कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बढ़ाने का फैसला लिया है जिसमें भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के बीच कई और ट्रेनें चलाई जाएगी कोलकाता को इसलिए चुना गया है क्योंकि कोलकाता की भारत में रेलवे कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बेहतर है इससे न सिर्फ बांग्लादेश की जरूरतें पूरी हो पाएगी बल्कि इससे भारत का जो बांग्लादेश में सामानों का निर्यात है वह कई गुना बढ़ जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पहले से कम हो जाएगी बाकी आप लोगों का भारत और बांग्लादेश के रणनीतिक साझेदारी के बारे में क्या सोचना है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और बांग्लादेश भारत से व्यापारिक संबंध बढ़ाने जा रहा है उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन से ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें